आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि का वार्षिक राशिफल 2024 के लिए। आइए जानते हैं कुंभ राशि का राशिफल, भविष्यफल 2024 कैसा रहेगा उनके लिए। कुंभ राशि के जातकों का राशिफल या भविष्यफल बताने से पहले आइए जानते हैं 1 जनवरी 2024 का ग्रह स्पष्ट। सूर्य रहेंगे धनु में, चंद्रमा रहेंगे सिंह में, मंगल रहेंगे धनु में, बुध रहेंगे वृश्चिक में, मेष राशि में रहेंगे बृहस्पति, शुक्र रहेंगे वृश्चिक में, कुंभ राशि में रहेंगे शनि, मीन राशि में रहेंगे राहु, केतु रहेंगे कन्या राशि में। यह तो था 5:30 बजे का ग्रह स्पष्ट, दैनिक ग्रह स्पष्ट जो 1 जनवरी 2024 के लिए था। जिन लोगों का नाम गु गे गो सा सी सु से सो दे पर है वो कुंभ राशि के जातक हैं, जिसको अंग्रेजी में एक्वेरियस भी कहा जाता है। आइए जानते हैं 2024 का वार्षिक राशिफल कुंभ राशि के लिए, क्या क्या उनको मिलेगा, किस चीज़ से सावधानी रखनी ज़रूरी है, क्या चीज़ उनके भाग्य वृद्धि में सहायक होगी, क्या चीज़ उनके भाग्य में बाधक होगी। संपूर्ण विवरण लेके आज का वीडियो तैयार किया गया है खास आपके लिए। अंग्रेजी नववर्ष पूरा आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा और धन संपत्ति का मार्ग आपको दिखाएगा, बल्कि बढ़ोतरी भी करेगा। उच्च वर्ग से आपका मेल जोल प्रगति में सहायक होगा और आपके बिजनेस में राइज करेंगे। आप बिजनेस दिन दूनी रात चौगनी स्पीड से पूरे वर्ष भर आपको भाग्य सहारा देगा, इसलिए बनता रहेगा। भाग्य के सपोर्ट से आपके हर काम इस वर्ष बनेंगे। शत्रु आपका कोई भी बुरा नहीं कर पाएगा, वो स्वयं कमज़ोर हो जाएगा, जिसकी वजह से वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा जो आपका बुरा चाहेगा। तो आपको खुशी मनाने का ये साल है। आपको उच्च अधिकारी वर्ग से मेल जोल कार्य क्षमता बढ़ाने में सहायक होगा। आपकी पत्नी से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है, लेकिन आपका नेचर उसमें रोल अदा करेगा संबंध को जोड़ने में। धन लाभ के इतने अधिक योग बन रहे हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। बिन मांगे ही आपको पैसा मिलेगा, बिना मेहनत के ही आपको पैसे का सराबर होने का मौका मिलेगा। ये इतना अच्छा वर्ष है आपके लिए, ये वर्ष कम ही लोगों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि 8 का अंक है और शनि कर्म फलदाता हैं, शनि आपके लॉर्ड हैं, तो आपको शनि के सहयोग से भी अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। शनि देते हैं मनी, शनि आपको भरपूर मात्रा में मनी पूरे वर्ष भर देते रहेंगे। अगर आपका मेंटेलिटी अच्छी है, आपका चिंतन अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है, मन में पीड़ा हो सकती है, चिड़चिड़ापन भी आ सकता है, लेकिन इससे आपको बचना चाहिए, मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए, इससे आपको शांति और राहत मिलेगी। तीर्थाटन आपको करने का मौका मिलेगा, धार्मिक रुचि बढ़ेगी और घर में कोई शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। आपको सोशल गेट टुगेदर में मेल जोल का मौका मिलेगा, जो शुभ ही संकेत होगा। शादी विवाह अगर आप करने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वर्ष अत्यंत हितकर रहेगा। आइए जानते हैं आपके लिए कौन सा कलर लकी है। आपके लिए सिल्वर कलर लकी है, ब्लैक कलर लकी है, नीला रंग लकी है, वाइट कलर लकी है और ग्रे कलर आपके लिए लकी है। रानी कलर भी आपके लिए शुभ है। पीले कलर से आपको बचना चाहिए, भगवा कलर से आपको बचना चाहिए। आपको अपने पास एमेंथिस्ट का क्रिस्टल रखना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा मिलता है। लोहे का जितना अधिक प्रयोग आप करेंगे उतना ही आपको सफलता मिलेगी। काले रंग का जितना आप प्रयोग करेंगे उतना ही आपको सफलता मिलेगी। काले रंग के पर्दे अपने घर में लगाएं तो आपको लाभ मिलेगा। वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन भी, जैसे डॉट ब्लैक के हों और वाइट कलर का प्रयोग करें कर्टेन में, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आपके लिए शनि चालीसा और शनि भगवान की उपासना श्रेष्ठ रहेगी। शुक्रदेव की उपासना या शुक्रवार का व्रत आपको धनवान बना सकता है, पैसा आपको दे सकता है। आपके लिए चावल
और काले उड़द की खिचड़ी खाना बहुत शुभ रहेगा। तो ये काम करके देखिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए कि आपको ये राशिफल कैसा रहा, कैसा लगा। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। हम अपने YouTube चैनल डॉक्टर उमाश्री में आपका स्वागत करते हैं। आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं।